प्रेरणा कथा। पीछे हटना सीखिए। एक दिन मैंने अपने 5 बरस के बेटे को एक छोटी सी खिलौना कार ला कर दी। वो एक ऑटोमेटिक कार थी। जब वो कार चलती थी उसकी बत्तियां जलती थी और संगीत बजता था। अपने बेटे को उस कार के साथ खेलते हुए देखकर मैं और मेरी पत्नी बहुत ही खुश थे। हमारा बेटा सब कुछ भूलकर उस कार को चमत्कार करते हुए देख रहा था और तालियां बजा रहा था। मैं भी उस कार को बहुत ही ध्यान से देखने लगा। मैंने देखा कि जैसे ही मेरा बेटा उस कार के आगे अपना हाथ रखता था वो कार करीब 5 इंच पहले रुक जाती थी और फिर अपनी दिशा परिवर्तित करके चलने लगती थी। किसी दीवार से टकराने के बाद वो कार कुछ इंच पीछे आ जाती थी और फिर मुड़कर दिशा परिवर्तित कर लेती थी और चलना शुरू कर देती थी। जब तक कार को रास्ता नहीं मिल जाता था वो टकराती थी, रुकती थी, पीछे हटती थी और फिर आगे बढ़ जाती थी। मैंने सोचा कि अगर उस कार को चालू करके ही उस कमरे में छोड़ दिया जाए तो शायद वो कुछ समय के बाद सभी बाधाओं के सामने रुक कर, पीछे हटकर अंत में दरवाजे के रास्ते बाहर निकली जाएगी। कार बनाने वाली कंपनी ने उस कार को एक ढंग से प्रोग्राम किया था कि किसी भी रुकावट के सामने उस कार को रुकना था, पीछे हटना था और फिर दिशा बदलकर चलना था। उस कार को देखते देखते मेरे दिमाग में सफल और असफल लोगों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आया। मित्रों, सफल लोग वही होते हैं जो स्थितियों के अनुसार अपने को योग्य बना लेते हैं और रास्ता खोज लेते हैं। सफल लोग जब भी किसी चुनौती का सामना करते हैं वो एक कदम पीछे हट जाते हैं और फिर स्थिति का जायजा लेते हैं और फिर किसी दूसरे विकल्प के बारे में सोचते हैं। वो लोग फिर से नई दिशा खोज लेते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। सफल लोग उस ऑटोमेटिक कार की ही तरह कठिनाई के समय में खुद को फिर से रीप्रोग्राम कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो नई नई राहें खोज ही लेते हैं। इसके विपरीत असफल लोग किसी भी बाधा के आते ही रुक जाते हैं और हार मान लेते हैं और कुछ भी नहीं करते। वो असफल लोग उस ऑटोमेटिक कार की तरह होते हैं जो किसी भी दीवार के आते ही बंद हो जाती है और दिशा परिवर्तित नहीं करती है। वो स्थिर होकर बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं करते। क्या आप ऑटोमेटिक कार या सफल व्यक्ति की तरह है? बहुत बहुत धन्यवाद।